चौथे महीने से अब आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आपका अगर मन अच्छा है तो दिन भर आप अपना डाइट अच्छे से लेंगी, खुश रहेंगी, अपने बच्चे पे अपने पे ध्यान दे पाएंगी। अब तीन चीजें आपको ढेर सारी लेनी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब मॉम चैनल में। आज एक नई जानकारी लेकर आई हूँ। तीन महीने जब एक गर्भवती माँ के पूरे हो जाते हैं और वो एकदम से नए फेज में एंटर करती है, फीलिंग्स बदल जाती हैं, चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो जाती हैं। हाँ, जिन महिलाओं को नौजिया वॉमिटिंग नहीं हो रही थी उनके लिए चीजें वैसे ही होती हैं जैसे पहले थी, लेकिन जिनको बहुत ज्यादा नौजिया वॉमिटिंग मॉर्निंग सिकनेस जैसी प्रॉब्लम थी, तो अब हार्मोन स्टार्ट होते हैं और चौथे महीने से अब आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। किन चीजों पर ध्यान देना है वो हम आज जानने वाले हैं और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपके बच्चे का एक स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, अब उस पर वेट गेन होगा, मसल डेवलपमेंट होगा, तो अब आपका खान पान और भी कई सारी चीजें जो हम आज जानेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको अपने लिए और अपने बच्चे के लिए सारी चीजें करनी है। चलते हैं, देखते हैं वो क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे ही आप सेकेंड ट्रिमेस्टर में एंटर किए, आपको एक चार्ट बनाना है कि कौन से फूड अब आपकी प्रायोरिटी में होने चाहिए। उनमें से डेली दो तीन चीजें आपको खानी है, हर कैटेगरी में से लगभग एक चीज तो यूज करनी ही करनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो जरूरत है प्रोटीन की। प्रोटीन घर के आसान चीजों में है, दाल के अंदर है, बीन्स के अंदर है, कुछ सब्जियां हैं उनके अंदर भी प्रोटीन पाया जाता है। दूध और दूध से बनी हुई चीजें आपको लेनी है, ये घर में हम डेली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ्लेवर बदल के, टेस्ट बदल के, रेसिपी बदल के आप इसका रोज आनंद लें। खट्टे फल, अब खट्टे फलों का महत्व बहुत ज्यादा है क्योंकि बहुत सारे फूड हमारे ऐसे हैं जिनसे कि हम आयरन लेते हैं, आयरन रिच फूड हम खाते हैं, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन अगर नहीं होता है तो फिर वो आयरन आपके बच्चे तक और आप तक कैसे पहुंचेगा। इसके लिए खट्टे फलों का सेवन जरूरी है। विटामिन सी एक तो आपको रोगों से प्रतिरक्षा देगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा, विटामिन और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ाएगा। ये बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो कि अब आपके लिए जरूरी हो गया है। तो खट्टे फल जो भी अवेलेबल हो, मौसमी हो, आप इसका इस्तेमाल शुरू कर दें। सबसे अच्छा समय है सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि मौसमी जूस, फॉर एग्जाम्पल मौसमी जूस आप जो भी ले रहे हो ले सकते हैं ब्रेकफास्ट टाइम। अगर आप ब्रेकफास्ट टाइम लेते हैं तो वो आपके लिए दिन भर रात तक काम करता रहता है। फ्रेंड्स, विटामिन सी का हमारे शरीर में कोई स्टोरेज नहीं होता, डेली की जरूरत की पूर्ति हमको रोज के फूड से करनी पड़ती है, इसलिए खट्टे फलों को आप अपनी प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखिए। अब बात करते हैं अनाज की, तो कुछ कैलोरी भी आपको बढ़ानी होती है क्योंकि अब कैलोरी बढ़ाने का समय आ गया है। ICMR गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 300 से 350 के बीच में कैलोरी बढ़ानी होती है, तो उसको कैसे बढ़ाएं? अब मल्टी ग्रेन ब्रेड ले सकते हैं, आप साबुत अनाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, केवल एक अनाज की नहीं, तीन चार अलग अलग तरीके के अनाज का आप आटा रखें और उसकी चपाती बनाएं। कभी अलग अलग बना सकते हैं, कभी मिक्स बना सकते हैं, कभी चीला भी बना सकते हैं वेजिटेबल्स ऐड करके। ये कुछ अमेजिंग आइडियाज हैं जो बहुत आसानी से आपको दवाओं से बचा लेते हैं और बहुत सारा न्यूट्रिशन आपको दे देते हैं, तो अब आपकी प्रायोरिटी में ये चीजें होनी ही चाहिए। अब आपको पनीर पे ध्यान देना है, पनीर को अपनी डाइट में शामिल करना है। इसके अलावा अनार, चुकंदर और टमाटर, इन तीन चीजों में से कोई एक चीज आपको रोज लेनी है, लगभग रोज लेनी है, क्योंकि ये आपके लिए अब बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा महीना लगते ही अब आपके सप्लीमेंट्स में आपके डॉक्टर कुछ चेंजेस करेंगे, कुछ चीजें नई ऐड होंगी, तो उनको इग्नोर नहीं करना कि मैं खाना बहुत अच्छे से खा रही हूँ, मुझे दवाओं की जरूरत नहीं है, मैं खाना बहुत अच्छा खाती हूँ। जी नहीं, प्रेगनेंसी में आपकी जरूरत बहुत ज्यादा है और खाने से केवल वो पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आपको सप्लीमेंट दिए गए हैं, फॉलिक एसिड, आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, जो भी सप्लीमेंट आपको दिए गए हैं वो सही तरीके से खाएं। आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट जब भी आप लें तो उनमें 2 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए जिससे कि उनका एब्जॉर्प्शन सही तरीके से हो सके। तो आप अपने सप्लीमेंट्स, खाली पेट की दवा, डिहाइड्रेट होने पे ORS, इन चीज़ों को बिल्कुल ना भूलें, इनको समय से और नियमित लें। विटामिन डी का बच्चे के विकास में बहुत रोल है क्योंकि प्रेगनेंसी में एंजाइटी बहुत रहती है, तो सुबह की गुनगुनी धूप और पेड़ पौधों के बीच थोड़ा सा वक्त अगर आप बिताते हैं तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, आपका मन बहुत अच्छा रहेगा और आपका अगर मन अच्छा है तो दिन भर आप अपना डाइट अच्छे से लेंगी, खुश रहेंगी, अपने बच्चे पे अपने पे ध्यान दे पाएंगी। इसीलिए सुबह की गुनगुनी धूप आप जरूर लें, उसमें थोड़ी देर जरूर एक्सपोज करें खुद को। अब तीन चीजें आपको ढेर सारी लेनी है, वो क्या है? नंबर 1 सलाद, क्योंकि अब कॉन्स्टिपेशन आपको बढ़ने वाला है और आपको ज्यादा परेशान कर सकता है, इसलिए पहले से ही तैयार रहें।
कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए ढेर सारा सलाद, सलाद में पानी है, फाइबर है, मिनरल्स है। आपको डिटॉक्स भी करेगा, पानी भी देगा आपको और मिनरल्स भी देगा हड्डियों की मजबूती के लिए। तो सलाद अच्छे से खाएं, जब मन करे बिना भूख के भी थोड़ा बहुत सलाद आप खा लीजिए। छोटी मोटी भूख में भी आप सलाद खा सकते हैं। इसके अलावा ढेर सारा वॉक, यहाँ ढेर सारे का मतलब ये नहीं है कि आप 5-5, 10-10 किलोमीटर चलें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है प्रेगनेंसी में। बॉडी जिसकी जितनी अलाउ करती हो उतना वर्कआउट करें, एक्सरसाइज, योगा, वॉक 2-3 किलोमीटर जरूर आप चलें। इससे आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक रहेगा, बॉडी में बहुत सारे पेन होते हैं, कई तरह की इश्यूज होती हैं, वो भी कंट्रोल में रहेंगे। तीसरी चीज़ है ढेर सारा पानी। अगर आपने पानी नहीं पिया, इसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई तो सीरियस कंडीशन भी फेस करनी पड़ती है, जैसे बच्चों के अंग चिपक जाते हैं, ठीक से डेवलप नहीं होता, स्टिल बर्थ की प्रॉब्लम होती है, समय से पहले यानी कि प्रीमैच्योर डिलीवरी के भी चांसेस होते हैं। तो ऐसी कंडीशन को हमें पूरी तरह से अवॉइड करना है, तो पानी बहुत अच्छे से पिए। इस तरह से अगर आप 4th महीना लगते ही तैयारी रखेंगी और अपना ख्याल रखेंगी तो आप भी स्वस्थ और आपका बच्चा भी बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा। अपना ख्याल रखें, बाय बाय।